नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया, मैं हूं साथी। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लोकार्पण एवं जनसभा कार्यक्रम का आयोजन झोसी अंदावा स्थित सत्संग भवन में किया गया। कुंभ 2019 के निर्माण कार्यों का लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में गरिमामय उपस्थिति राम नाईक, राज्यपाल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पर्यटन मंत्री रीता बहुगुणा जोशी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, सुरेश खन्ना, संसदीय कार्य नगर विकास सिद्धार्थनाथ सिंह, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे, सांसद चंदौलिया। प्रधानमंत्री द्वारा विकास कार्यों का लोकार्पण किया गया। संगम जाकर प्रधानमंत्री द्वारा पूजा अर्चना एवं अक्षय वट दर्शन भी किया गया। प्रयागराज से हमारे संवाददाता मनोज सिंह की रिपोर्ट। सबसे बड़े संगम परियोजनाओं के लोकार्पण और कुंभ मेले की दृष्टि से गंगा पूजन के लिए पहली बार देश के बीकेटी में बेखौफ दबंगों ने उधेश द्विवेदी की जमीन पर धावा बोल शुरू किया अवैध कब्जा। विरोध करने पर पीड़ित दंपति को पीट कर किया लहूलुहान। फरियादी की फरियाद सुनने के बजाय बीकेटी थाने की पुलिस ने एक भी ना सुनी और धक्के मार कर थाने से बाहर कर दिया। गुंडों के सामने बीकेटी पुलिस हुई नतमस्तक। वहीं पीड़ित का कहना है कि बीकेटी के इंस्पेक्टर साहब अमरनाथ वर्मा खुलेआम महिला को बच्चे के ऊपर गाड़ी चढ़ाकर और मरवा देने की धमकियां दे रहे हैं। पीड़ित का कहना है कि मेरी तहरीर तक नहीं लिखी गई। अब देखते हैं कि लखनऊ के SSC कलानिधि नैथानी अमरनाथ वर्मा पर क्या कार्रवाई करते हैं या महिलाओं पर अत्याचार का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। वाराणसी से हमारे संवाददाता दीपक दुबे की रिपोर्ट। नाम बताएं। अवधेश द्विवेदी। एडवोकेट हैं? हाँ, वकील जी। बताएं ये मामला पकड़ कैसे तूल पकड़ा है जो है? ये कल रात से इन्होंने कई असलाहधारी राइफल बंदूक लेके आए जो है, सर्वेश पांडे के भाई या कोई रिश्तेदार, अपने को प्रदेश उपाध्यक्ष ब्राह्मण संघ का बता रहे हैं जी। और रात भर यहाँ शराब पी, अवैध निर्माण कराए और हमारा पिलर और पेड़ सब तोड़ डाले। हम लगातार 100 नंबर को 5-7 बार फोन किए और सब ADG जोन, IG, SSP, SP ग्रामीण सबको किए और हर बार पुलिस आई और कहीं हम काम नहीं रुकवा सकते। मैं 3 बार थाने भी गया। आज सुबह जब फिर पेड़ तोड़े और सब करने लगे तो मैंने रोका तो फिर हमको मारे पीटे तो हम 100 नंबर मिलाए। 100 नंबर वाले कहे थाने चलो। थाने गए तो सबसे पहले इंस्पेक्टर साहब मेरा मोबाइल अपने कब्जे में छीन लिए जबरदस्ती और माँ बहन की गाली देते हुए कि वकीलों की मैंने माँ बहन ऐसी की तैसी की थी, मड़ियाओं में मैं था, मेरा इतिहास पता लगा लो। और केबिन में हमको मेरी पत्नी लड़के को घसीट के ले गए सब लोग और खूब बुरी तरह मारा। वाइफ का मैंने इंस्पेक्टर ने कहा। हाँ, अमरनाथ वर्मा महोदय, SHO BKT। और ये सर्वेश पांडे DPRO हैं, अपने को बताते हैं। ये बहुत पहले यहाँ ADO पंचायत थे ब्लॉक में और ये कभी इनोवा, कभी बुलेरो, कभी कौन कौन गाड़ी है, उत्तर प्रदेश सरकार का मोनोग्राम लगा और लिखा लाते हैं और राइफल बंदूक लेके आते हैं। अपने को बताते हैं कि हमारे पिता DIG रहे हैं, कहीं कुछ बताते हैं, यही सब विवाद ये हुआ कि आपकी मतलब जमीन पे कुछ हमारी जमीन पे पढ़ के बना रहे हैं। अच्छा, अच्छा। और बार बार रोकने पे मान नहीं रहे हैं और लगातार कल 2 बार हमला किए, आज किए सुबह और फिर थाने गए, थाने पे खुद भी मारे, इंस्पेक्टर से भी पिटवाए। नाम क्या है? आशा जी। क्या हुआ था आपके साथ आज? सर्वेश पांडे, हाँ, इंस्पेक्टर शर्मा जो है, अमरनाथ वर्मा जो है जी। लड़के को, हमारे पति को, हमको मारे जो है, थाने के अंदर बंद करके लाठी उठा के मारे, हमारा हाथ फट गया। काफी पहले से जाके वो पार्टी जो है इनको पैसा दी और फिर 100 नंबर की गाड़ी आई, इनको बुला के ले गई, कही चलो तुम्हारा FIR होगा। जैसे गए इनका मोबाइल छीन लिया गया, लड़के को उनको मारने लगे, हम पीछे से गए, हमको भी मारे और कहन की अभी कहन इसको गाड़ी से कुचल के मार डालो। सर्वेश पांडे, उनके कोई भाई वाई आए थे। ये सर्वेश पांडे क्या हैं? ADO पंचायत वो है जो ADO पंचायत है, पंचायत अधिकारी लिखी नहीं है, हम पढ़े ओढ़े नहीं है। हमारे साथ जो इतनी गंदी गंदी गालियां इंस्पेक्टर दिए, सब लोग इतना हमको करे कि हमको जीने का इरादा।
आज हमारे साथ हाथ नहीं है। आज हम 5 साल से पुलिस के मारे गाड़ी मेरा कपड़ा उपड़ा फाड़ के इतना बेइज्जत करते हैं लोग कि अब जीने का इरादा नहीं होता। योगी की सरकार में हो रहा है कि औरतों का पुलिस वाले मारे जो उनका कपड़ा चीरे फाड़े जो बेइज्जत करें, कमरा बंद करके मोबाइल छीन लिया जाता है कि हम लोग कहीं फोन नहीं कर सकते। इतना परेशान कर दिए। मैनपुरी के थाना बेबर समाज सेवा नवयुग संस्थान के तत्वाधान में सामान्य ज्ञान व कला प्रतियोगिता का आयोजन जीएसएम महाविद्यालय झिबरा मऊ रोड बेबर में किया गया, जिसमें 2 दर्जन विद्यालयों के करीब 500 छात्र छात्राओं ने सामान्य ज्ञान व कला प्रतियोगिता में भाग लिया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से राजकुमार अवनीश कुमार शाक साहब सिंह फुलमाला डॉक्टर क्षमा सिंह महेश चंद्र कुलदीप कुमार आदि लोग मौजूद रहे। परीक्षा का परिणाम व पुरस्कार वितरण 31 दिसंबर 2018 को किया जाएगा। मैनपुरी से हमारे संवाददाता मोहित तिवारी की। बताइए किस तरीके की परीक्षा और किस कार्यक्रम को आपने भाग लिया? समाज सेवा नवयुग संस्था है, इसमें मैंने पार्टिसिपेट किया है। हमें बहुत अच्छा लगा इसमें पार्टिसिपेट करके और मैं कई सालों से करती हुई आ रही हूँ। इसमें लगभग 500 बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है और ये 18 सालों से संस्था चली आ रही है। मुझे बहुत अच्छा लगा ये संस्था में मुझे पार्टिसिपेट करने की। किस क्लास की है और कौन सी आपने? मैं 10वीं कक्षा की हूँ और मैं सिटी ग्लोबल एकेडमी की छात्रा हूँ। किसमें आपने पार्टिसिपेट किया? मैंने सामान्य ज्ञान में पार्टिसिपेट किया है। बताइए आज किस तरीके से परीक्षा आपकी है? बहुत अच्छी तरीके से यहाँ महाविद्यालय में निरंतर 18 वर्ष से ये परीक्षाएं कराई जाती हैं और बेहतर तरीके से आज परीक्षा का समापन हुआ। और यहाँ के मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट के जितने भी इंटर कॉलेज हैं उनके कम से कम 10-11-12-13 विद्यालय हैं, उनके सभी बच्चों ने 6 से 11-12 सब बच्चों ने परीक्षा दी है। और ये एक बहुत सालों से एक प्रक्रिया चल रही थी, इससे बच्चों के काफ़ी हद तक विकास होगा। जो सामान्य ज्ञान का जो बच्चों के अंदर डेवलप नहीं है, कुछ करंट न्यूज नहीं है, तो वो चीज़ें बच्चों के अंदर डेवलप हुई हैं। ये बहुत बेहतर तरीके से परीक्षा का आयोजन कराया गया था और इसमें सभी ने बहुत शांतिपूर्वक परीक्षा का समापन हुआ, बहुत अच्छे तरीके से परीक्षा हुई। बताइए आपने किस तरीके से भाग लिया, कौन सी संस्था में और कैसा लग रहा है? समाज सेवा नवयुग संस्था में पार्टिसिपेट किया, इसमें 2 प्रतियोगिता हुई थी, सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता और कला प्रतियोगिता। मैंने सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट किया और मुझे इसमें बहुत अच्छा लगा। इसमें करीब हमारे साथ 500 विद्यार्थियों ने और पार्टिसिपेट किया और ये करीब 18 सालों से चली आ रही है और मुझे इसमें पार्टिसिपेट करके बहुत अच्छा लगा। क्या नाम आपका? निमिषा, मैं स्मृति ग्लोबल अकादमी से हूँ। समाज सेवा नवयुग संस्थान के तत्वाधान में ये कार्यक्रम किया गया जिसमें जीके और ड्राइंग कंपटीशन का आयोजन किया गया। ये करीबन 18 वर्षों से लगातार होती चली आ रही। इस संस्था ने तमाम कार्य किए, बच्चों को आगे बढ़ाने का कार्य किया, समाज के लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया। इस संस्था के द्वारा जो है मुख्य रूप से बच्चों को आगे बढ़ाने का काम करती है। इसके अलावा रक्तदान शिविर किए गए, स्वास्थ्य शिविर किए गए, सिलाई कढ़ाई मशीन के केंद्र खुलवाए गए, महिलाओं को जागरूक करने का कार्य किया गया। इस तरीके से समाज सेवा नवयुग संस्थान के तत्वाधान में ये सारे कार्य बस किए जाते हैं, जिसमें योग शिविर भी किया जाता है। इस बार बहुत बड़े स्तर से कार्य 21 जून को कराने की क्षमता रखने का कार्य कर रही है संस्था। और इन्हीं सब के साथ जो आज के बच्चों ने भाग लिया उनके सबके आभार व्यक्त करता हूँ। विद्यालयों के जिन्होंने प्रिंसिपल ने उनको भेजा उनका भी धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आगे के प्रमुख समाचारों पर। प्रयागराज में हंडिया तहसील के सराय ममरेज थाने पर समाधान दिवस मनाया गया, जिसकी अगुवाई SDM राजा गणपति आर एवं हंडिया CEO मुस्तफा सिद्दकी, SO धर्मराज यादव, लेखपाल कानूनगो, SI पवन कुमार सिंह, SI अमित कुमार सिंह, परलोक और SI नीरज सिंह मौके पर मौजूद रहे, जिसमें 5 पत्र आई उसमें से 4 का मौके पर ही निपटारा हो गया। प्रयागराज से हमारे संवाददाता प्रदीप मिश्रा की ये रिपोर्ट। मेरे
पहले भूंदरी भून कर विपक्ष में बात कर रहा है। ज़्यादा आवे थोड़े चाहिए। पंजाब के मोगा जिले में ह्यूमन राइट्स और सोशल वेलफेयर मोगा यूनिट के स्थापना दिवस पर नेशनल चेयरमैन एनएस सिद्धू और वाइस चेयरमैन रवि कांत विशेष रूप से पहुंचे। मोगा यूनिट हर तरह के कार्य करेगी। इस आयोजन में मोगा के विजय मदान को चेयरमैन, सीनियर वाइस प्रधान और सुरेंद्र सिंह बाबा को कार्यकर्णी का पद देकर सम्मानित किया गया। जसविंदर कौर को महिला विंग की प्रधानगी दी गई। इस मौके पर राकेश कुमार, भारत दंड, परशोत्तम अरोड़ा, एनआरआई प्रियावत कुमार व अन्य सदस्य शामिल हुए। पंजाब से हमारे संवाददाता गुरलाल सिंह बरोला की यह रिपोर्ट। क्लैपिंग कंटिन्यू। मोगा टीम क्या कर क्योंकि हमने क्राइम एंड करप्शन में भी ह्यूमन राइट्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन इंडिया महिला का बहुत ही हार्दिक स्वागत करता हूं क्योंकि कुछ समय पहले ही ਸਾਰੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਬੈਠੀ ਹੈ ਮਹਿਲਾ ਮੰਡਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਐਕਟਰ ਹੈਗੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਂਗੇ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਪ੍ਰੀਏ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਤੋਂ ਦੀਏ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨਕੋ ਪਕੜਨੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਚਾਹੀਏ ਹਥਿਆਰ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਵੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਰਿਟਾਇਰਡ हाँ जी जोगिंदर कौर ओके हाँ जी साजी सामने हाँ जी साजी सामने ओके हाँ जी सामने ओके हाँ जी साजी सामने ओके सरदार दयाल सिंह मोहित सिंगला सामने राज ओके हाँ जी सर सामने वेद प्रकाश सोशल वेलफेयर की तरफ तो मोगा यूनिट जिहदे विच लक्ष्मी चंद जी नूं प्रधान बनाया लेडी सैल दी जसविंदर कौर जी नूं प्रधान साडे समाज लई जिहड़े
नीचे लेवल दे लोग ने उन्हां नूं उपर चुकण लिए काम करनगे। ये ह्यूमराइट एक्टिविस्ट जिहड़े आ इन्हां नूं एक प्लेटफॉर्म अहीं दे रहे हां, प्रोवाइड कर रहे हां, जिहड़ा आने वाले समय च सारे जिन्ना सिस्टम जिहड़ा सिस्टम चल नहीं रहा उन सिस्टम नूं चलाउण विच सहाई होणगे। हर तरह के जिन्ने काम लोकां दे होणगे उन्हां दे नाल मोढा नाल मोढा मिला के चलणगे। थैंक यू। ओके मेहरबानी। वेलफेयर एसोसिएशन के तरफ से आज मौके के अंदर जो भी कहते हैं यूनिट खड़ी की गई है, जो भी है, हम अपने हर ह्यूमन राइट्स के एक्टिविस्ट को इतना मजबूत करेंगे कि वाकई कि जब भी कहीं डिपार्टमेंट में कहीं पर भी जाएगा तो उसको कहते हैं देख के ही समाज अपने कार्यों की तरफ ध्यान देना शुरू करे और अपने कार्यों को ठीक करना शुरू करे और लोगों की सेवा की तरफ ध्यान देंगे वो लोग। सर संस्था की तरफ से क्या क्या काम किए जाएंगे मोगा शहर में? संस्था की तरफ से हर तरीके का काम किया जाएगा, जिस तरीके के भी आएगा। समाज सुधार का ज्यादातर काम होगा और जो भी कुतियां फैली हुई हैं समाज के अंदर उसको दूर करने की कोशिश की जाएगी। इतना मजबूत हम अपने एक्टिविस्ट को करेंगे और जब भी जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है कहते हैं डिपार्टमेंटों में इधर उधर जो उसको भी ठीक करने की कोशिश की जाएगी पूरी। सर फायदा होगा इस संस्था की तरफ? मोगा शहर वासियों को अपना ये फायदा होगा कि अपने शहर के अंदर ही उनको कहते हैं हर चीज की सुविधा लोगों को मुहैया मिले जिसके प्रति वो कार्य करेंगे और डिपार्टमेंट जो है वो भी इनकी तरफ ध्यान देगी। समाज के जिस डिपार्टमेंट को जो कार्य दिया गया है समाज सुधारने के लिए उसका वो कार्य पूरा करें। सर मोगा शहरवासी आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकेंगे कि उनकी कोई भी समस्या का? शहरवासी दिन हो या रात हो जिस वक्त भी हमारे नंबर उनके पास है वो जब भी चाहे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और सलाह ले सकते हैं अभी कैसा काम कैसे करना है कैसे नहीं करना है। ये थे अभी के समाचार। आगे कुछ खास खबरों के लिए देखते रहिए फास्ट न्यूज इंडिया। धन्यवाद।